नमस्कार दोस्तों, ये ब्रह्मांड असीम संभावनाओं से और अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ है और इसी बात की स्टडी करता है क्वांटम साइंस। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जो भी हम चाहते हैं, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, वो एक संभावना के रूप में, प्रोबेबिलिटी के रूप में या अदृश्य रूप में पहले से ही मौजूद है। और ये अदृश्य जब दृश्य बन जाता है तो हम कहते हैं कि हमने अपनी विश को मैनिफेस्ट कर ली। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तकनीक जिसके सहारे कि आप इस असीम संभावनाओं के क्वांटम फील्ड से जुड़ सकते हैं और तो और जो भी आपकी विश है उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफ़ी एडवांस्ड वर्जन और एडवांस्ड क्लास है। मशहूर पोएट रूमी ये कहते थे कि जो कुछ भी आप देख सकते हो वो अदृश्य से ही पैदा होता है और कहीं ना कहीं वो क्वांटम फील्ड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इस क्वांटम फील्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी विशेष चाहें उतनी विशेष इससे मान सकते हैं, उतनी विशेष मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके पास कोई टाइम लिमिट भी नहीं है और इसके पास ये भी लिमिट नहीं है कि कितनी डिस्टेंस पे आपका गोल एग्जिस्ट करता है। सिर्फ आपको अपनी एनर्जी वैसी मैच करनी है और जब आप उस एनर्जी को, उस फ्रिक्वेंसी को होल्ड करना सीख जाते हैं तो आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाती है। फिर चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो रिश्ता हो, हर चीज़ आपकी तरफ एक चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आता है। और कैसे हमें उस एनर्जी को मेंटेन करना है, अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, वही आज हम सीखने वाले हैं। पहला स्टेप, डिसाइडिंग योर गोल। टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं कि अदृश्य को दृश्य बनाने के लिए या इनविजिबल को विजिबल करने का जो पहला चरण है वो है अपने गोल को सेट करना। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो यूनिवर्स को भी ये कभी पता नहीं चलेगा और यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर आपको चाहिए क्या। दोस्तों, गोल सेटिंग के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। जैसे ही आप अपने माइंड को एक गोल देते हैं वैसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके गोल को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर करता है और इसका काम भी सिर्फ यही है उन रिसोर्सेज को ढूंढना जिसके सहारे कि आप अपने गोल को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या आपके गोल सच में आपके हैं? मैं बहुत डीप बातें बता रहा हूं और इसे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आपके गोल आपके नहीं हैं तो होगा क्या कि उनको पाकर भी आप खुश नहीं होंगे। मेरे पास एक क्लाइंट आती थी, वो कहती थी कि मैं करोड़पति बनना चाहती हूं, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर मैं कहता था कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, क्या आपको पैसा खुशी देता है जिसे आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी सफिशियंट है, परंतु सबका यही लक्ष्य है जो मेरे आसपास के हैं, इसलिए मैंने भी इस गोल को बना लिया, शायद इसमें कोई बात होगी। जी नहीं, आपका गोल क्या है वो आपके दिल को पता है। अपने दिल से बार बार पूछो कि क्या ऐसा है जो कि मुझे खुशी देगा और उसको चेंज करना आप शुरू करिए। मनी, अथॉरिटी, इम्पैक्ट, हर चीज़ आपके पीछे भागेगी। और दोस्तों, क्वांटम फील्ड को अच्छे से समझने के लिए आपको ऊर्जा और सबकॉन्शियस माइंड के कंसेप्ट को डीपली पढ़ना चाहिए और इसके लिए मैं आपको दो बुक्स रेफर कर रहा हूँ। इसकी समरी को आप कुकू एफएम ऐप पर जाकर सुन सकते हैं। ये इंडिया का ऐसा अपना ऐप है जहाँ की हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे बुक की समरीज हैं, बहुत सारे ऑडियो बुक्स हैं और मशहूर लोगों की बायोग्राफीज़ हैं। नॉर्मली इसका प्राइस 399 होता है, लेकिन चूंकि इन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है और हमें सपोर्ट किया है तो PP50 कोड को अगर 250 पहले यूज़र यूज़ करते हैं तो ये इनको सिर्फ 199 रुपीज़ में, मतलब दिन भर के एक चॉकलेट के खर्च में पूरे साल भर का पैकेज मिलेगा। ज़रा सोचें कि थोड़ा सा खुद पे इन्वेस्ट करके अगर आप अपने माइंडसेट को बेहतर कर पाएँ, अपने आप को कुछ सिखा सकें, अपने गोल को ट्रांसफॉर्म कर सकें तो कितना बेहतर होगा। दूसरा स्टेप, मेक योर गोल क्लियर। अगर आपका गोल बिल्कुल स्पष्ट नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान से जाननी चाहिए। अगर मान लो आपके मन में आपने बोला कि कार, तो कार से आपके ब्रेन में कोई इमेज नहीं बनेगी, लेकिन अगर उसका रंग पता हो, उसका रूप पता हो, आपने उसको देख रखा है, उसमें कितनी सीटर है, कैसा इंजन है, हर चीज़ को अगर आपने डिटेल में जाना है तो आपके ब्रेन में उसकी एक पिक्चर बन जाएगी। यही इस ब्रेन की खूबी है। जब आप एक गोल को एकदम क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक कर देते हैं, तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है और सबकॉन्शियस माइंड क्वांटम फील्ड का द्वार है। जो भी गोल आपके सबकॉन्शियस में जाता है वो क्वांटम फील्ड लेकर इसको रियलिटी में चेंज कर देता है। इसी बात को अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि तुमने जो भी गोल बनाया है क्या तुम एक 5 या 6 साल के बच्चे को बता सकते हो? अगर तुम स्पष्ट रूप में इसे बोल सकते हो, समझा सकते हो, इसका मतलब कि तुमने गोल को सही से सेट किया है और तुम्हारा गोल क्लियर है।
तीसरा स्टेप है फोकस ऑन योर गोल एज ऑफन एज पॉसिबल। आपको अपने गोल पर अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या आपने ये सुना है कि जिस चीज़ पे आप अपने ध्यान को फोकस करते हैं वो चीज़ एक्सपैंड कर जाती है? जी हाँ, विलियम जेम्स कहते हैं, मशहूर साइकोलॉजिस्ट, कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि आप अपने सबकॉन्शियस पे इम्प्रेस नहीं कर सकते, और सबकॉन्शियस पे जिस दिन वो इम्प्रेस हो गई वो रियलिटी बन जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से ही क्वांटम फील्ड का द्वार खुलता है, और जो भी आपके सबकॉन्शियस में है वो क्वांटम फील्ड को मैसेज जाती है और वो रियलिटी बन जाती है। हिंदुइज्म में सुबह शाम पूजा की जाती है, मुस्लिम कई वक्त नमाज अदा करते हैं, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज्म में भी प्रेयर का रूल है। क्यों? क्योंकि इस तरह वो अपने अल्टीमेट गोल को दिन में कई बार या फिर हफ्ते में कई बार याद करते हैं, और इसके कारण ये गोल उनके डीपर ब्रेन में उतर जाता है और क्वांटम फील्ड के पास पहुंच जाता है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप अल्टीमेट गोल यानी गॉड को याद कर रहे हैं या फिर अपने छोटे गोल, कार को, रिलेशनशिप को, जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि आप अपने गोल पे कितने फोकस्ड हैं और कितनी बार उसको याद करते हैं। तो जब आपने अपने गोल को एक बार क्लियर बना लिया तो उसको एक कार्ड पर लिखें और कार्ड को दिन में 3-4 बार ज़रूर देखें। हो सकता है आप अलार्म लगाना पड़े, हो सकता है आप सुबह और शाम का शेड्यूल बना दें कि मैं विज़न बोर्ड पे इसको देखकर इसको दिन में 3-4 बार ज़रूर देखूंगा। दोस्तों, इस बात को समझना पड़ेगा कि आज हम उस विश्व में रहते हैं जहाँ पे कि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, हर चीज़ हमारे अटेंशन को डिमांड करती है, और इसके कारण चूँकि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं तो किसी एक विचार को ज़्यादा शक्ति नहीं मिल पाती, और ज़्यादा शक्ति ना मिलने के कारण वो मैनिफेस्ट नहीं होता। लेकिन जहाँ आप अपने मन में कम विचार रखेंगे और एक विचार को या एक गोल को ज़्यादा शक्ति देंगे तो वो शक्ति उसको मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। इन बातों को बड़े ध्यान से समझना। अगला पॉइंट है अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना सीखें। दोस्तों, क्वांटम फील्ड से अपनी विश मैनिफेस्ट कराने के लिए आपको क्वांटम फील्ड से जुड़ना पड़ेगा, और क्वांटम फील्ड ऊर्जा का फील्ड है। ये एक सूक्ष्म विश्व है जहाँ पे कि ऊर्जा की हाई फ्रिक्वेंसी है, लेकिन हमारी फ्रिक्वेंसी लो है, इसीलिए हम स्थूल हैं, हम मैटर में हैं, और वो एनर्जी है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई है। लेकिन हमारे चारों तरफ भी ऊर्जा का एक आभा मंडल है जिसे कि ऑरा कहते हैं, और इसकी भी अपनी फ्रिक्वेंसी है। लेकिन आज इंसान ज़्यादातर लो फ्रिक्वेंसी में रहता है, जैसे कि घृणा, द्वेष, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये भावनाएं उनके मन में रहती है, और इसके कारण हमारी फ्रिक्वेंसी लो होने के कारण हम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ नहीं पाते और अपने विश को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप हायर फ्रिक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना सीखें। जैसे प्रेम की ऊर्जा, जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप ध्यान में जाते हैं, जब आपके हृदय से करुणा या दया की भावना आती है, ये सब हायर फ्रिक्वेंसी हैं। और दोस्तों, ये भी एक स्किल है, और इस स्किल को भी सीखा जा सकता है। आपको करना क्या है, आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, आप विपश्यना की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन में आप देखें कि जब भी आप लोअर फ्रिक्वेंसी में, फ्रस्ट्रेशन में हैं, गुस्से में हैं, स्ट्रेस में हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, उस समय खुद को कैच करें, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, खुद से ये पूछें कि इस मोमेंट मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील कर सकता हूँ। या फिर आप किसी किताब को पढ़ना शुरू करें, किसी मशहूर आदमी के कोट को पढ़ना शुरू करें। ये वो टेक्निक है जिसके सहारे कि मैं अपनी वाइब्रेशन को लिफ्ट करता था और अभी भी लिफ्ट करता हूँ। तो ये सारी फुल प्रूफ टेक्निक हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी क्वांटम फील्ड की फ्रीक्वेंसी से मैच करने लगती है और आप एक बन जाते हैं, और उस स्थिति में आपका गोल इस ब्रह्मांड का गोल बन जाता है और विदाउट एनी डिले वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और अगला पॉइंट है ट्रस्ट द क्वांटम फील्ड, ट्रस्ट द पावर दैट हैज़ क्रिएटेड यू। जी हाँ, विश्वास या फेथ, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत शक्ति है। जहाँ एक असफल आदमी या तो बड़ा सोचता नहीं है, या कभी अगर बड़ा सोचता है तो सबसे पहले ये सोचता है आखिर ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और ये सवाल, ये माइंडसेट उसके अंदर डर पैदा करती है और वो पैरालाइज होकर आराम से बैठ जाता है, कोई एक्शन नहीं लेता। अब मैं आपको सुना रहा हूँ एडमंड हिलेरी की कहानी, जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी और असफल रहे थे। इनके पास कोई गाइड नहीं थी, इनके पास कोई किताब नहीं थी जिससे कि माउंटेनियरिंग को ये सीख पाते, लेकिन फिर भी इनको अपने अंदर अपनी शक्ति पर यकीन था, उस परमात्मा पर यकीन था जिसने कि इन्हें खड़ा किया था, जिसने इन्हें भोजन दिया था, और उन्हें यकीन था कि ये निश्चित होगा।
जो परमात्मा मुझे यहाँ तक लेकर आया है वही परमात्मा मुझे मेरे गोल तक फतेह करने में मेरी मदद करेगा। और इसके कारण उन्होंने सिर्फ एक स्टेप देखा, स्टेप बाय स्टेप देखते चले गए और इनको रास्ता मिलता चला गया और इन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के, जिन्होंने की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को खोजा था, या एडिसन के, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के, या मशहूर म्यूजिशियंस जब अपनी म्यूजिक को कंपोज करते हैं, ये सब भी यही करते हैं। इनके पास भी कोई गाइड नहीं था, लेकिन इनके पास फेथ था। ये खुद से ये नहीं पूछते कि ये कैसे होगा, क्योंकि इनको पता है कि जब ये पूछेंगे कैसे होगा उसी समय फियर आ जाएगा और फियर इनको पैरालाइज कर देगा। ये पूछते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे पहला कदम क्या लेना है, एक कदम मैं क्या ले सकता हूँ, और धीरे धीरे इनका रास्ता बनता चला जाता है। उसी तरह से आप अपने लक्ष्य को बड़ा करें और क्वांटम फील्ड से जुड़ने के लिए आप फेथ रखें। आप खुद से ये पूछें, ब्रह्मांड से ये पूछें कि मैं एक स्टेप क्या ले सकता हूँ, और सिर्फ उस स्टेप पर फोकस करें। और जब आपने उस स्टेप को कंप्लीट कर लिया तो ही आप खुद से पूछें कि मुझे दूसरा स्टेप क्या लेना है। दोस्तों, जब आप अंधेरी रात में कैंडल के साथ चल रहे हैं तो आपको 100 मीटर नहीं दिखता, सिर्फ 1 या 2 मीटर दिखता है, लेकिन जैसे ही आप आगे जाते हो 1-2 मीटर, अगला 1-2 मीटर विजिबल हो जाता है। वही आपके गोल के साथ है। और फेथ में वो शक्ति है जो कि असंभव को संभव कर देती है। फेथ में ही मिरेकल है और फेथ में ही ब्रह्मांड की पूरी ताकत समर्पित है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनके स्टेप्स को आप आजमाएं और इस्तेमाल में लें। मैं थैंक करना चाहता हूँ ग्रेग ब्रैडन को, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को, लिन मैक्टागार्ड को, और ऐसे बहुत सारे क्वांटम साइंटिस्ट डॉक्टर अमित गोस्वामी को, जिन्होंने कि इस पर रिसर्च किया और जिनकी रिसर्च को पढ़ के इसको अपनी लाइफ में आजमा के मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई और इस तरह की और वीडियो क्वांटम फील्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी पे आप चाहते हैं तो कोई भी आप एक छोटा सा कमेंट लिखकर मुझे इंस्पायर कर सकते हैं, और डेफिनेटली इस फील्ड पे रिसर्च करके मैं आपको टाइम टेस्टेड टेक्निक्स देता रहूँगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो अपने 5 दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।